जैसे ही जैसे तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद बढ़ता है, वैसे वैसे जमीन की कशिश कम होती जाती और उसकी कशिश बढ़ती जाती। एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम बिल्कुल निर्भर हो जाते हो। इसलिए तो योगियों को बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि अचानक ध्यान करते करते उन्हें लगा कि वो जमीन से उठ गए। बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ता किसी को कि वो उठ गए हैं। वो भी आंख खोल कर देखते हैं तो उठे नहीं है, अपनी जगह पे बैठे हैं। वो भ्रांति नहीं है। जैसे ही चित्त निर्भर हो जाता है, उसकी ध्वनि गूंजती है, वैसे ही वेटलेसनेस का अनुभव होता है। और अगर ये यात्रा जारी रहे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे दो शरीर हो गए। एक शरीर जमीन पे बैठा है, दूसरा शरीर ऊपर उठ गया और नीचे जमीन पे बैठे शरीर को देख रहा है। उन दोनों के बीच एक पतला सा धागा प्रकाश का है जो जोड़े हुए है। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी ओंकार का प्रयोग कर रहा हो, वो ध्यान में बैठा हो, तो उसे चौंका के मत हिलाना, क्योंकि उससे कभी भी खतरे हो सकते हैं। अगर उसके दोनों शरीरों के बीच फासला हो, उस समय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर थोड़े अलग हो गए हो और तुम धक्के दे दो, तो उन दोनों का संतुलन सदा के लिए बिगड़ जाएगा। ठीक ध्यान की अवस्था में व्यक्ति इस शरीर के बाहर निकलता है, फिर वापस लौट आता है। और जब तुम इस कला में पूरे पारंगत हो जाते हो कि कैसे बाहर निकलें, कैसे भीतर आ जाएं, तुम जान गए कि कैसे परमात्मा में प्रवेश करें और कैसे वापस लौट आएं, तब इस संसार और परमात्मा में कोई विरोध नहीं रह जाता।